हेल्थ मिनिस्टर करेंगे 5 साल बाद शिमला में हो रहे जादूगर सम्राट शंकर के शो का शुभारंभ। जादूगर शंकर ने प्रदेश व केंद्र सरकार से की लुप्त हो रही इस कला के संरक्षण की अपील। कल से लगातार 2 सप्ताह तक चलेगा ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में जादूगर शंकर का शो। दुनिया भर में 28,000 मैजिक शो में से 23,000 चैरिटी के लिए किए। देश सरकार जमीन उपलब्ध करवाए तो हिमाचल में मैजिक एकेडमी शुरू करेंगे जादूगर सम्राट शंकर। देश व दुनिया के ख्याति प्राप्त जादूगर सम्राट शंकर कल 5 जून से शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में 2 सप्ताह तक चलने वाले अपने मैजिक शो की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हिमाचल सरकार के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर धनीराम शांडिल द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहेंगे। मीडिया कर्मियों से बातचीत में जादूगर शंकर ने कहा कि 1,40,00,000 के भारत देश में वर्तमान में महज 140 से भी कम बड़े मैजिशियन रह गए हैं और ऐसे में सरकार को लुप्त हो रही इस कला के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब तक भारत में दुनिया भर में किए गए 28,000 शो में से 23,000 केवल वह चैरिटी के लिए कर चुके हैं और कारगिल युद्ध तथा रेड क्रॉस के अलावा दिव्यांगों के लिए भी उन्होंने काफी चंदा इकट्ठा किया। जादूगर सम्राट ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार निःशुल्क जमीन उपलब्ध कर पाए तो हिमाचल में वह मैजिक अकेडमी की शुरुआत करेंगे। उन्होंने कहा कि मैजिक शो से लोगों के मनोरंजन के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है और वर्ष 2018 के बाद पूरे 5 साल बाद हिमाचल की राजधानी शिमला में वह अपना शो आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जादू और मंत्र तंत्र एक आर्ट व साइंस है और कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ब्रिटानिया हुकूमत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही शिमला में 7वीं बार अपना शो करने पहुंचे जादूगर सम्राट शंकर ने कहा कि वह अपने मैजिक शो के माध्यम से बेटी बचाओ जल संरक्षण व सरकार की अन्य विभिन्न योजनाओं व कार्यक्रम से संबंधित संदेश भी निःशुल्क दे रहे हैं। वैसे मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊं, मैं जादूगर सम्राट शंकर जो कि देश विदेश में जादुई प्रोग्राम करते हैं। 28,000 शो मैंने देश विदेश में किए हैं जिसमें 23,000 शो सिर्फ चैरिटी के लिए किए हैं, गूंगे बेरे बच्चों के स्कूल के लिए, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस के लिए, सुनामी में भूकंप आया, कारगिल के लिए, मतलब जब भी देश पे कोई मुसीबत आई अपने शो की। हमारा मेन मकसद है भी जादू कला ये जिंदा रहे। अभी आपके शिमला शहर में गेयटी थिएटर में 5 जून से हमारे प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं जिसका उद्घाटन माननीय मंत्री जी हेल्थ मिनिस्टर वो करेंगे और उसके बाद लगातार यहाँ शो होंगे हमारे पब्लिक शो और ये टूरिस्ट को भी बड़ा बढ़ावा मिलता है। जो बाहर से आए हुए हर प्रकार के लोग भाग हैं ये शो को देखते हैं। मेन मकसद है भी ये 140 करोड़ की आबादी में आज 140 जादूगर एल्यूजन शो वाले बड़े जादूगर नहीं हैं, तो हमारा सरकार से भी आग्रह है भी ताकि कोई अकेडमी के रूप में माने शिमला में या मनाली में, हिमाचल में मतलब ये टूरिस्ट वगैरह इतने आते हैं तो टूरिस्ट को भी बढ़ावा मिलेगा अगर सरकार इसकी तरफ ध्यान दे तो, ताकि आर्ट ये जिंदा रहे। ये कला मतलब लुप्त होती जा रही है, मतलब बिल्कुल जैसे है ना। वैसे मिनिमम 2 वीक्स तो है ही, बाकी पब्लिक शो है और 2 हफ्ते तो कम से कम चलना ही चाहिए। काफ़ी लंबे समय से लोगों ने आपको स्टेज पर नहीं देखा। हाँ जी, हाँ जी, इस बार आप मैं जलवा दिखाई। हाँ, 2018 में हम लोग आए थे लास्ट, अब 5 साल के बाद आए हैं और हर एक बार आपको नए आइटम देखने को मिलते हैं और अब की बार भी मेन मकसद है ना जी। अब सरकार जन संदेश पे लाखों रुपए खर्च करती है, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क देते हैं। अब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण के ऊपर, नशों के ऊपर, ये हमने उस टाइप के मैजिकली आइटम बनाए हुए हैं जो आप स्टेज पे देखेंगे। सुहागन कीनी रे मोसनना मिलाई के छाप तिलक घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।